हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड देयर मिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू IS 456। मतलब जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं उसका ग्रेड क्या होता है, उसका मिक्स रेशियो क्या होता है, ये हम जानेंगे और जानेंगे IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को यहां पर लिख लिया है जो M5 से M25 ग्रेड तक है, मिक्स रेशियो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और कैटेगरी है। तो हम आपको इस वीडियो में कंक्रीट के मिक्स रेशियो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसकी कैटेगरी को बताएंगे, मतलब कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक की कंक्रीट किस कैटेगरी में आती है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे M5 से लेके M25 ग्रेड तक की कंक्रीट को सिर्फ मैंने लिखा है। वैसे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट बहुत से होते हैं, M25 के आगे भी होते हैं, 35, 40, 45, 50, 55, 60, मतलब ऐसे बहुत से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं। तो चलिए हम इसका मिक्स रेशियो देख लेते हैं। तो M25 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका जो मिक्स रेशियो होता है वो होता है 1:1:2। M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका मिक्स रेशियो होता है 1:1:3। M15 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका मिक्स रेशियो होता है 1:2:4। M10 ग्रेड की कंक्रीट का जो मिक्स रेशियो होता है 1:3:6। M7.5 ग्रेड की कंक्रीट का होता है 1:4:8 और M5 का होता है 1:5:10। तो दोस्तों, यहां पे हमने ग्रेड M5 से M25 ग्रेड तक की कंक्रीट का मिक्स रेशियो लिख दिया है। M25 का होता है 1:1:2, M20 का होता है 1:1:3, M15 का होता है 1:2:4, M10 का होता है 1:3:6, M7.5 का होता है 1:4:8 और M5 का होता है 1:5:10। अब दोस्तों, ये बात कि मिक्स रेशियो होता क्या है, मिक्स रेशियो मतलब क्या शो करता है। तो मिक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया M10 ग्रेड की कंक्रीट से समझ लीजिए कि M10 की जो ग्रेड की कंक्रीट है उसका मिक्स रेशियो है 1:3:6। तो 1:3:6 का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया कि आप कोई स्लैब कास्ट कर रहे हैं, आप उसमें M10 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो M10 ग्रेड की कंक्रीट का जो मिक्स रेशियो है वो आपको ये बताता है कि एक, ये जो लिखा है इसका मतलब हुआ कि आपको 1 बोरी सीमेंट लेना है, ये जो 3 लिखा है आपको 3 बोरी सैंड लेना है, और ये जो 6 लिखा है इसका मतलब हुआ कि आपको 6 बोरी एग्रीगेट लेना है। मतलब अगर आप किसी स्लैब, बीम या कॉलम या किसी भी चीज की कास्टिंग में अगर आप M10 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका जो मिक्स रेशियो है 1:3:6 वो आपको यही बताता है कि 1 बोरी अगर 1 बोरी सीमेंट लेना है, 3 बोरी बालू लेना है और 6 बोरी एग्रीगेट लेना है। एग्रीगेट मतलब मिलावा होता है, तो ये लेना है। तो दोस्तों, इसका मिक्स रेशियो हो गया। अब आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये होता है कि हमारी जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती है वो उसके पावर को बताती है कि मतलब हमारा कंक्रीट कितने पावर का है, मतलब कि 28 दिन के बाद हमारी जो कंक्रीट है उसका कितना पावर होगा। तो देखिए, M5 से शुरू करते हैं। M5 ग्रेड की जो कंक्रीट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 5 N/mm². M7.5 का होता है 7.5 N/mm². M10 का होता है 10 N/mm². ऐसे ही सबका हम लिख लेंगे, 15 N/mm², 20 N/mm² और 25 N/mm². तो देखिए, M5 ग्रेड की कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 N/mm², M7.5 ग्रेड की कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 N/mm², M10 ग्रेड की कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 N/mm² है। तो ऐसे ही मैंने M5 से M25 ग्रेड तक की कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दिया। ये जो N/mm² है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट होती है, मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो N/mm² होती है। अब 5 N/mm² क्या है? तो 5 N/mm² का मतलब ये हुआ कि मान लिया कि अगर आप M5 ग्रेड की कंक्रीट से कोई कॉलम कास्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि M10 ग्रेड की कंक्रीट से कोई कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो M10 ग्रेड की कंक्रीट से अगर आप कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो 28 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद जब हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे कॉलम का,
तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। जैसे मान लिया कि आप M25 ग्रेड की कंक्रीट से एक क्यूब का सैंपल ले लीजिए, एक क्यूब कास्ट कर रहे हैं, अगर आप M25 ग्रेड की कंक्रीट से क्यूब कास्ट कर दिए हैं तो उस क्यूब को प्रॉपर 28 डेज तक पानी में पूरी तरह डुबा कर रखने के बाद जब 28 दिन के बाद आप उसको निकालेंगे और उसका जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करेंगे तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। अगर 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम आता है तो वो क्यूब टेस्ट में फेल हो जाएगा। तो दोस्तों की एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और देख लीजिए कि कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी का मतलब हुआ कि कौन से कौन किस ग्रेड से किस ग्रेड तक की कंक्रीट किस कैटेगरी में आती है। तो M5 और M7.5 की ग्रेड की जो कंक्रीट होती है वो आपकी ड्राई लीन कंक्रीट में आती है, मतलब DLC में आती है। तो ये आपका आ जाएगा DLC, DLC का मतलब हो गया ड्राई लीन कंक्रीट। ड्राई लीन कंक्रीट जो होती है वो बहुत ही लो रेशियो की मिक्स कंक्रीट होती है। इसका यूज जैसे हम कैनाल बनाते हैं या फिर रोड बनाते हैं या फिर बहुत ही लो लेवल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां पे DLC का यूज हम लोग एज ए सब बेस के लिए यूज करते हैं। और M10 से M20 ग्रेड तक की जो कंक्रीट है वो आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट में आती है, ये आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब कि सिंपल लेवल पे हम लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम यूज करते हैं उसमें ज्यादातर M10 से लेकर M20 ग्रेड तक की कंक्रीट यूज की जाती है। तो इसलिए M10 से M20 तक की जो कंक्रीट आती है वो आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट में आती है। और M25 से M55 तक, M25 ग्रेड से M55 ग्रेड तक की जो कंक्रीट आती है वो आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट में आती है। M25 to M55 ये कंक्रीट आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट में आती है। और M60 से M80 तक इस ग्रेड की जो कंक्रीट होती है वो आपकी हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट में आती है। हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट का मतलब हुआ कि बहुत ही जो हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहां पे एक विशेष प्रकार की कंक्रीट का यूज किया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है। तो वहां पे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग बहुत ही हाईली कंक्रीट का यूज करते हैं। तो M60 से M80 ग्रेड तक की कंक्रीट जो होती है वो आपकी हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट में आती है। M60 to M80 ये आपकी हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट में आती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड देयर मिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू IS 456:2000 के अकॉर्डिंग हमने कंक्रीट के कुछ ग्रेड्स लिख दिए थे, उसका मिक्स रेशियो बता दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है भी मैंने बता दिया, कौन से ग्रेड तक की कंक्रीट किस कैटेगरी में आती है वो भी मैंने बता दिया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है और आप लोगों के प्यार की बहुत ही आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल की बात एंड प्रेस द बेल आइकन and never miss another update.